सीपीए की होने वाली जनरल काउंसिल की मीटिंग जो कनाडा में होनी है उसकी ब्रीफिंग मीटिंग भी के लिए चर्चा करेंगे। और उसके पहले मैंने विचार किया कि आप सब लोग पधार रहे हैं तो औपचारिक अनौपचारिक चर्चा हमारी शिमला कॉन्फ्रेंस के समय, उसके बाद गुवाहाटी के समय जो हमारी कुछ चर्चाएं हुई थी उन चर्चाओं को हम आगे बढ़ा सके। और जो विचार हम सबने वहां पर अपने अपने विचार दिए थे उन विचारों को एग्जीक्यूशन पूर्ण रूप से हो सके, ताकि हम देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके, ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाबदेही से काम करें, इन लोकतांत्रिक संस्थाओं से के माध्यम से देश और प्रदेश की जनताओं की अपेक्षाएं आकांक्षा पूरी हो, इसके लिए सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने विधानसभा में विधान परिषद के अंदर उनका प्रयास रहता है कि निष्पक्ष और निर्वाध रहते हुए हम इन सदनों को निर्बाध रूप से भी चलाएं और इन सदनों में व्यापक सार्थक चर्चा और संवाद हो, चर्चा संवाद का उच्च स्तर हो, कानून बनाते समय जहां उस सदन के जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति भी हो लेकिन उसके साथ साथ देश और प्रदेश की भावनाओं को भी कानून बनाने के समय हम सम्मिलित कर सकें, इसके लिए हमारे प्रयास रहते हैं। आज सबसे पहले मैं इस विषय पर हमारे बीच में दो पीठासीन अधिकारी श्री रावल नार्वेकर जी जो अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा में निर्वाचित हुए हैं उनको बधाई देता हूं। दूसरे हमारे अध्यक्ष जिन्होंने त्यागपत्र दिया है उनके स्थान पर विक्रम केशरी अरुका जी अध्यक्ष उड़ीसा विधानसभा वो निर्वाचित हुए हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं। शायद उत्तराखंड के स्पीकरों का पहले परिचय शायद हो चुका था तो उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। महाना साहब भी पहली वाली बैठक में शायद गुवाहाटी वाली में उनका अभिवादन हो चुका था। पंजाब वाले माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी चुनका है उनका भी हम अभिवादन करते हैं। इस डिप्टी विधानसभा स्पीकर का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश की शायद गुवाहाटी में हमने अभिवादन कर दिया था। सभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष का मैं आज इस संसद के कक्ष में अभिवादन करता हूं, क्योंकि हमारी जब चर्चा हुई थी तो सामान्य हमारी चर्चा हुई थी कि एक कॉन्फ्रेंस हमारी दिल्ली से बाहर हो, एक कॉन्फ्रेंस यहां भी हो। पिछले दिनों में जैसा कि आप लोगों का आग्रह था चीफ जस्टिस साहब से मिला था, उनका भी सहमति थी, वो राजस्थान विधानसभा के अंदर कल जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं राजस्थान विधानसभा के असेंबली में जा रहा हूं, वहां भी उनका कार्यक्रम होगा। उन्होंने भी जब कभी भी अपन बुलाएंगे तब वो भी सहज रूप से उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया, क्योंकि आज हमारी बैठक औपचारिक भी अनौपचारिक भी है। इसलिए मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय कुमार जो इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं जो इस सारी कॉन्फ्रेंस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कुछ जानकारी आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में देंगे और जो कुछ भी और आवश्यकता इंतजाम की हो वह भी हम चर्चा करेंगे।
और किस तरीके से सीपीए के इस कॉन्फ्रेंस में हम अपने विषयों को रख सकें, राज्य के देश के मुद्दों को रख सकें और अपने राज्य और देश के अंदर किस तरीके से भारत में नया परिवर्तन हो रहा है उसके विषय हम सीपीए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी देशों को अवगत करा सके। मैं अजय कुमार जी को कहूंगा कि वह लॉजिस्टिक के बारे में आपको जानते हैं। अब मीडिया के लोगों को फ्री कर दो, अब इंडोर मीटिंग है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वेलकम करता हूं आज की मीटिंग के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माननीय अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल हैलिफैक्स कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएगा। ये सम्मेलन जो है 22 अगस्त को सारे डेलीगेट्स का अराइवल होगा और 26 अगस्त को सारे डेलीगेट्स का हैलिफैक्स कनाडा से डिपार्चर होगा। तो उसके लिए